सोचने पे मजबूर करने वाली फिल्म। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट जो मूवी आई अभी, मतलब जानते हैं ऐसे क्या कि ये मराठी मूवी पहले आ चुकी थी, लेकिन कासा उसका नाम, उसका मैं रिव्यू करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ब्रिलियंट, सोचने मजबूर करने वाली, एकदम मतलब दिल को झकझोरने वाली मूवी है। तो इसका रिव्यू मैं आज दे रहा हूँ आपको, जी लगभग 2 घंटे की। आप जाके सोनी लिप पे, वहाँ पे रिलीज हुई थी, आप इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे बताया जाते हैं कि मतलब ये नेशनल अवार्ड विनर है, मतलब बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीत चुकी थी। इसमें जानते हैं कि वो इरावती हैं और मोहन अगासे जी का हैं और आलोक हैं, राजवाड़े हैं और किशोर हैं, और मतलब जो भी सपोर्टिंग एक्टर, काफ़ी शानदार काम किया गया, ब्रिलियंट है। तो मैं सोचा इसका रिव्यू किया जाए। तो चलिए थोड़ा सा बात मैं इसकी स्टोरी करता हूँ और आगे बताऊँगा मतलब क्यों देखनी चाहिए, क्यों नहीं, मतलब मुझे क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। तो स्टोरी जानते हैं क्या, मतलब ऐसे जो मेन एक्टर आलोक है, उसमें दिखाया गया मतलब वो ऐसे क्या कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करने का अपना मतलब कोशिश करते हैं, तो हॉस्पिटल जाते, फिर वहाँ से भाग के आते तो जाते हैं, उनका क्या जो इरावती मेन मतलब लीड में वो भी हैं, तो उनसे मतलब उनकी मुलाकात होती है, वो अपने घर पर लाते। तो बेसिकली जानते हैं कैसे मतलब साइकोलॉजिकली भी आप कह सकते हैं, मतलब एक मेंटल मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को रहती है उनकी फैमिली, मतलब उनके जो पेरेंट्स से डेथ हो गई, तो उनके मतलब रिलेटिव जो भी हैं तो वो देखती हैं, तो वहाँ से भाग के आता। तो मतलब लाइफ से जुड़ी हुई समस्याएं, मतलब पूरा बेसिकली आपको देखना है यही, मतलब लास्ट तक होता क्या है। तो बीच में ये भी दिखाया गया मतलब जैसे आते कछुआ का मतलब संरक्षण करते हैं, जो मतलब जो दिखाया गया साथ में जो इरावती हो गई या मोहन अगासे जी हो गए, मतलब ऐसा वो एनजीओ चलाते हैं तो उसमें काम करती हैं इरावती जी भी आके, उनका भी मतलब डाइवोर्स हो गया। तो काफ़ी ब्रिलियंटली देखे, मतलब कई जो मतलब सामाजिक मुद्दे उठाती हैं और जो बीच में मतलब जो भी चीज़ें चैलेंजेस रहता है लाइफ में एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो भी हो सकता है, तो काफ़ी शानदार दिखाया गया। जो मानसिक मतलब कमजोरियाँ रहती हैं, मतलब एज ए मेंटल इलनेस जो भी है, तो दिखाया गया काफ़ी दमदार काम किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो उसी टाइप का देखना पसंद करते हैं, अच्छा सिनेमा देखने का मतलब आपको पसंद, अगर लेटेस्ट मूवीज़ जो वेब सीरीज आती है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवीज़ आती है, और मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले भी हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे ही सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले, तो मुझे काफ़ी मतलब खुशी होगी कि जल्दी से हम लोग 500 फैमिली कंप्लीट करें, ताकि और अच्छा मैं आप लिए कर सकूँ। तो ये हो गया, तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मतलब जानते हैं जो भी मेंटल इलनेस में बच्चे हो गए, मतलब यूथ हो गए, जो भी गर्ल्स हो गई या बॉयज़ हो गए, जो भी, तो जान सके मतलब इंजॉय कर सके, हम जाकर वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लो मतलब मुझे क्या पसंद आया। सबसे ब्रिलियंट जानते जो आइडिया दिखाया गया एज ए मेंटल इलनेस पर दिखाया गया, मतलब अकेलापन जो भी रहता फैमिली जिसके पास नहीं है, तो काफ़ी शानदार था। ये हो गया मतलब टॉपिक्स काफ़ी ज़बरदस्त है। एक्टिंग की बात करूँ मतलब जो भी देखे, इरावती हो गई या जो आलोक हैं, काफ़ी ब्रिलियंट देखिए उनकी, मतलब लुक, बाल उनके बड़े बड़े हैं, एज ए बियर्ड है, तो बहुत शांत, बहुत कम संवाद बोलते, मतलब ब्रिलियंट देखिए बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसे दिखाया गया, परफेक्टली, मतलब एक मूवी किस टाइप से होनी चाहिए, कैसे मतलब एक्टिंग करनी चाहिए, जबरदस्त दिखाता। मतलब आंखों से देखिए, आंखों से जो कहने की स्टाइल है, वो बातें कम बोलते लेकिन उनकी मतलब जो आंखों से कहने की स्टाइल है, इरावती जी हो गई या जानते मोहन अगासे जी, खुद मेरे फेवरेट हैं वो। इससे पहले भी मैं एक मूवी देखा था लेकिन रिव्यू नहीं कर पाया था, सोच रहा हूँ कि बाद में कभी टाइम मिलेगा तो मुझे टाइम थोड़ा कमी रहती फिर करूँगा मैं। काफ़ी शानदार था वो, मुझे मतलब मराठी मूवी काफ़ी बहुत पसंद आती है। तो अगर आप मुंबई से वहाँ से हैं, तो अगर आप मेरा रिव्यू देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर भी करिए, ताकि वो भी जान सकें इसके बारे में। तो ये हो गया। अब डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन भी काफ़ी शानदार है। आप सिनेमेटोग्राफी भी देखिए, जबरदस्त, मतलब इतनी अच्छी प्रकार से मतलब जो वे ऑफ फिल्मिंग पिक्चराइजेशन किया गया है। सिनेमेटोग्राफी देखिए, जो मतलब वहाँ देखिए कि जो मतलब नदी का जो भी है वहाँ पे किनारा, जो सीशोर मतलब जो भी दिखाया गया है, तो काफ़ी शानदार, जो लहरें आती हैं वहाँ पे, चिड़ियाँ जो मतलब पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, और जो भी है जो मतलब दिखाया गया कछुओं का, कैसे वो बच्चे मतलब एज ए प्रोसेस उनका दिखाया गया, मतलब वो बेचारी जो माता कछुआ रहती है, वो आके बच्चा देके मतलब सुबह सुबह होने से पहले ही वो चली जाती है, तो बच्चों उनके भटक जाते हैं, मतलब उनसे बिछड़ जाते हैं। ब्रिलियंटली मतलब मास्टरपीस कहूँगा, मतलब जितनी तारीफ करूँ कम है। तो ओवरऑल हर मतलब ऑलराउंडर पूरा मतलब मूवी बन के पूरा ये आई, काफ़ी शानदार काम किया गया। ये हो गया। और पॉजिटिव की बात करूँ तो इसमें क्या, म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार लगता है, एज ए जो मतलब कॉस्ट्यूम देखिए आप, जो भी वहाँ पे एज ए मराठी दिखाया गया, काफ़ी शानदार पूरा टच है, तो काफ़ी शानदार लगता है। ये सेटअप भी जो पूरा बनाया गया, जो भी मतलब जहाँ शूटिंग की गई, काफ़ी शानदार लगता है ऐसे क्या। और सबसे पॉजिटिव ये भी कि मतलब एक मैसेज भी देती है मेंटल हेल्थ के लिए, जो भी है मतलब हमारे बच्चों को मतलब ख्याल रखना चाहिए हमको, उनको मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, तो जो मतलब पर्सनल प्रॉब्लम लाइफ में जो भी आती है सबके बीच में, वो भी है। तो ये हो गया, पॉजिटिव चीज़ें आपको देखनी चाहिए इसलिए। और थोड़ा निगेटिव बात करूँ मैं क्या कि ऐसे जानते हैं एज ए ड्रामा मूवी है, एक मतलब मराठी मूवी है, तो ड्रामा भी शुद्ध बनाई गई पूरी है कि क्या है मतलब कि, और कुछ चीज़ें मतलब आपको इंटरटेन ज़्यादा, मतलब जो स्लो, अगर थोड़ा स्लो भी रहती है, अगर जो स्लो देखना नहीं पसंद करता है, तो मैं तो कहूँगा पूरे आर्ट मूवी है। तो अगर जो आर्ट मूवी पसंद नहीं करता है, तो
वो मतलब इसको अवॉइड कर सकता है, उसको पसंद नहीं आएगी। जब ज़्यादा बीच में थोड़ा बहुत कॉमेडी भी मतलब चलती है तो वो चीज़ें पॉजिटिव हो गई, लेकिन वैसे ज़्यादा मतलब ह्यूमरस नहीं है तो काफ़ी मतलब सीरियस ही रहती है। तो अगर जो मैं यही कहूँगा मेन कि जो सीरियस अगर सिनेमा थोड़ा पसंद नहीं करते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एक मास्टर पीस है, ब्रिलियंट, मतलब जानते हैं कि नेशनल अवार्ड विनर है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो यही था आज का रिव्यू, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर भी करिए। मैं ऐसे ही मतलब इंटरेस्टिंग जो भी मतलब रिव्यूज़ लेके आता हूँ और लेटेस्ट सॉन्ग जो आता है उसका रिएक्शन मैं कोशिश करता हूँ देने के लिए। तो ये मेरी थोड़ा मेरे पास टाइम कमी रहती है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दर्शक अच्छा सिनेमा देखे ताकि उनकी लाइफ में अच्छा मतलब अच्छी वैल्यू एड हो, ताकि वो कुछ कर सके फ्यूचर के लिए। तो यही था, ज़्यादा पेरेंटल गाइडलाइन की बात है, ऐसा कुछ नहीं था। जानते एक ब्रिलियंट, एक मतलब आप फैमिली ड्रामा भी कह सकते हैं, तो काफ़ी शानदार था। मतलब कई चीज़ें देखिए, मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ कम रहेगा। पिक्चराइजेशन इतना शानदार किया गया, जो भी संवाद दिख लिए, डायलॉग्स, जो भी चीज़ जो सीख देती हैं, मतलब जो भी पिक्चराइजेशन किया गया काफ़ी ब्रिलियंट लगता है। मतलब हर टचिंग, मतलब एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ब्रिलियंट पूरा। मैं जितनी तारीफ करूँ कम रहेगा, मेरे पास वर्ड्स नहीं इसको कहने के लिए। तो यही था आज का रिव्यू, जहाँ तक स्टार की बात है तो मैं इसे 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। आपसे रिकमेंडेशन, मतलब आपको रिकमेंडेशन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने पूरे बच्चों के साथ देखिए, ताकि वो भी समझ पाएँ चीज़ें कैसे क्या लाइफ में चैलेंजेस चलती क्या आ सकती है, मतलब कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। तो यही था रिव्यू आज का, आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। तो ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी मिलते हैं किसी नए दिन के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।